बात करने जा रहे हैं सोलमेट टेस्ट कि मेरे को इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है या इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. दीज ऑल द थिंग्स विल बी इन योर हैंड. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव. मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ. आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोलमेट टेस्ट. सोलमेट के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो फेसबुक पे लाइव वीडियो हमने रन किया था. लगभग एक घंटे के करीब का वीडियो है, थोड़ा स्लो हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आराम से उस वीडियो को एक घंटा अपनी लाइफ में स्पेयर करके देख सकते हैं. एंड आई थैंक्स ऑल ऑफ देम जिन्होंने उसको ज्वाइन किया था. उसमें लगभग 1 लाख के करीब व्यूअर्स थे जिन लोग उस वीडियो को देख चुके हैं. वही वीडियो हमने यूट्यूब पे भी डाला है कि सोलमेट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि सोलमेट होता क्या है और वो कैसे काम करता है. उसमें हमने एक टेस्ट भी बोला था, सोलमेट टेस्ट. तो आज हम उस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. और ये जो टेस्ट है, ये जो आपकी लाइफ में अच्छा बेनिफिशियल हो रहा है, ये जो टेस्ट है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है सिर्फ, ये पूरा वेलनेस टेस्ट है. तो ये पूरा वीडियो आपके वेलनेस के लिए है कि आप इस टेस्ट को अगर प्री मैरिज काउंसलिंग में से के टाइम में या किसी रिलेशनशिप में जिसमें आप सीरियस हो, उस रिलेशनशिप में जब आप लिव इन या मैरिज करने जा रहे हैं तब आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ की हर्डल्स आपको पहले से पता हो और उनको आप क्योर कर पाओ. तो हमने उस सोलमेट टेस्ट के वीडियो के अंदर हमने 5 चीजें डिस्कस की थी, कार्मिक सोल, मल्टी सोल, ट्विन फ्लेम और सोल एंड सोलमेट. तो इन 5 चीजों की डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं. बट आज हम बात करने जा रहे हैं सोलमेट टेस्ट क्या होता है. सोलमेट टेस्ट 51 पैरामीटर पे वेलनेस टेस्ट है जिसमें हम 51 पैरामीटर चेक करते हैं. और उन 51 पैरामीटर के अंदर हम ये देखते हैं कि आपकी कंपेटेबिलिटी का रेशो दूसरे आदमी के साथ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कैसा रहेगा. अगर वो रिलेशनशिप में आपका 10 की स्केल है, हम वही मां के स्केल पे मान लो 6 नंबर है, 7 नंबर है, देन यू कैन डिसाइड कि मेरे को इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है या इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. दीज ऑल द थिंग्स विल बी इन योर हैंड. तो पूरे 51 तो मैं शायद एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो अगेन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब का है और ये वीडियो मोर देन 2-3 आवर हो जाएगा. हमने डिवाइड किया है 5 पैरामीटर में. तो पहला पैरामीटर क्या है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ये मैक्रो लेवल पे है. टोटल 51 है, उनमें 5 ये समझिए पिलर्स हैं जिनके अंदर वो 51 पैरामीटर लगाए हुए हैं. चलते हैं. आपने हमारा वीडियो, अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और आप ऐसे वीडियो एक दूसरे से शेयर कर सकें. हम वीडियो शेयर करेंगे, आप हमसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में चैट अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं. चलते हैं इस जर्नी पे. पहला, सुजेस्टेबिलिटी कंफर्टेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन. सुजेस्टेबिलिटी क्या होती है ये समझने की जरूरत है. सुजेस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है साइकोलॉजी में, बट सुजेस्टेबिलिटी को अगर हम समझें सिंपल और आसान भाषा में, सुजेस्टेबिलिटी है क्या. सुजेस्टेबिलिटी एक वैल्यूज है. हर एक आदमी की कुछ वैल्यूज होती है और दूसरे किसी आदमी को दूसरी आदमी की वैल्यूज पसंद आए या ना पसंद आए, ये कोई कंपल्सरी चीज नहीं. जैसे किसी एक आदमी की वैल्यूज है कि उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना पसंद है, उसको झूठ बोलना पसंद है. आजकल कलयुग है, झूठ सभी बोलते हैं, लेकिन समझने की बात है कि उसको रिलेशनशिप में झूठ बोलना पसंद है. ऑफिशियली बोल सकता है, सोशली बोल सकता है. अब वो रिलेशनशिप में एक आदमी को झूठ बोलना पसंद नहीं है और दूसरे आदमी को हर बात पे झूठ बोलना पसंद है, हर बात को मैनिपुलेट करना पसंद है. तो जब शुरू में तो वो बड़ा गुडी गुडी रहता है, लेकिन जैसे ही वो इकट्ठे रहने लगते हैं इस चीज पे स्पार्क होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शुरू हो जाते हैं और वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरारें आने शुरू हो जाती है. रिलेशनशिप में कैसे कैसे ब्रेकअप होते हैं वो वीडियो ऑलरेडी है, आप वॉल पे जाके देख सकते हैं. वो भी 3 पार्ट में बना हुआ है, आपको 1 by 1 समझ आ जाएगा कि कैसे रिलेशनशिप ब्रेक होता है. तो सुजेस्टेबिलिटी हम बड़े डीपली चेक करते हैं और ये ऐसी सुजेस्टेबिलिटी है जिसको आप छुपा नहीं सकते.
इस टेस्ट की ब्यूटी ये है, आप छुपा नहीं सकते, तो आपके दिमाग में ये आएगा नहीं कि मेरे पार्टनर ने अगर कुछ पा लिया तो फिर इनको कैसे पता रहे। चिंता मत करिए, उसका हमने टेक केयर किया हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिहेवियरल अप्रोच ऑफ टू पर्सन। अब दो आदमियों की बिहेवियरल अप्रोच भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे एक आदमी को क्या है कि मान लो आपका कोई मेल फ्रेंड है या आपका हस्बैंड है, उसको दूसरी जो आपकी सहेलियां हैं उनसे बड़ा घुल मिल के बात करने की आदत। हो सकता है वो उसका कोई जो अप्रोच है वो सिर्फ घुल मिलने की हो, इंटेंशन ऐसी ना हो, पर आपको प्रॉब्लम, आपने कई बार समझा लिया वो नहीं मान रहा, तो फिर रिलेशनशिप अगेन स्टेक पे चला जाएगा, अगेन डिटैचमेंट पे चला जाएगा। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा इस आदमी का बिहेवियर कैसा है, इसका अट्रैक्शन लेवल कैसा है, ये कहीं रस्ते की जर्नी में पड़ोसन को देख के खुश तो नहीं रहेगा। और सिमिलरली आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो, मान लो आप किसी बात ही नहीं करना चाहते तो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप सारी बातें अपने तक रखते हो, अपने फ्रेंड्स में जो जिन भी फ्रेंड्स में वो जाता है वहां जाके आप मिलते नहीं उनसे, घूमते नहीं उनसे, कुछ शेयर नहीं करते, तो अगेन देयर विल बी ह्यूज गैप। तो ये आपको बिहेवियरल का जो जो पैरामीटर है वो सब कवर किए हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी के पैरामीटर इसी में कवर है, तो ये आपको फ्यूचर के लिए सपोर्ट करेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हिडन डिजायर एंड एक्सपेक्टेशंस। हर एक आदमी की बहुत सारी डिजायर हिडन होती है, और जो हिडन डिजायर्स हैं वो कभी कभी आपको अगेन डिटैचमेंट प्रोसेस में ले जाती हैं। हिडन डिजायर क्या होती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, बट मैं बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूं। आप एक रिलेशनशिप में चले गए, आपका एक पार्टनर ने आपके अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी देखी कि आप जॉब करते हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उसे लगा यार घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, शादी कर लो, शादी हो गई। लेकिन उसकी हिडन डिजायर क्या थी? उसको तो चाहिए थी अपनी वो बॉलीवुड की हीरोइन, वो तो आप हो नहीं, आप तो बड़े हार्ड वर्कर हो, सुबह उठते हो, बच्चों का ख्याल रखते हो, घर चलाते हो, घर को मैनेज करते हो, यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, आप पैसा दे रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक सारी चीजों में एफर्ट कर रहे हो, लेकिन क्या ऐसा आदमी बिजी हो जाएगा तो वो हीरोइन बन पाएगा क्या? आप भी समझ रहे हैं, नहीं बन पाएगा। लेकिन उसकी हिडन डिजायर है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी है, तो वो हिडन डिजायर के लिए क्या करेगा? तो किसी और को सपोर्ट करेगा, किसी और जगह वो हिडन डिजायर पूरी करेगा, और आप देखेंगे आपका काउंटर पार्ट ऐसे हिडन डिजायर के लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें भी करेगा। अगेन इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो वो आदमी बहुत ज्यादा कंजूस है, हो सकता है कोई भी आदमी, अच्छी बात है, पैसा बचाते हैं, अभी कोविड में लोगों ने जिनके पास पैसे बचे हुए थे वो अच्छे से सर्वाइव कर गए। लेकिन जब वो ये हिडन डिजायर पूरी करेगा, जब वो किसी और को की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो बहुत तेजी से खर्चा कर रहा है, बहुत सारी पार्टीज करना चाहेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, दूसरे पार्टनर के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर देगा, कुछ चीजें आपको बताएगा कुछ नहीं बताएगा, कभी लोन दे देगा दूसरे को अनएक्सपेक्टेड। तो ये ऐसी चीजें जो हिडन डिजायर्स हैं, अगर ये हमें पहले से पता लग जाए तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, यस देयर इज अ ऑप्शन। और अगर हम करेक्ट ना करना चाहें या हमें लगे कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हम रिलेशनशिप में अपने डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इससे पहले कि हम उस रिलेशनशिप में जाएं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, फैमिली पैथोलॉजी। दिस इज आल्सो अ वेरी सीरियस पॉइंट। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, डिप्रेशन कैसे फैलता है, एंग्जायटी कैसे फैलती है, कैसे पेरेंट्स से वो बच्चों में आ जाता है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत कम लोग ये शेयर करते हैं कि मेरी मदर को डिप्रेशन था, मेरे फादर को डिप्रेशन था, बताता नहीं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब तक वो रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हुई होती ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी अपनी बातें करते हैं, आप अपनी करते हो वो अपनी करता है। लेकिन अगर फैमिली पैथोलॉजी ऐसी है, कोई आदमी स्ट्रेस में रहा है, डिप्रेशन में रहा है, एंग्जायटी में रहा है, तो कुछ ना कुछ सिम्टम आप में आ गए होंगे, और वो आपको एडामेंट बना सकते हैं, आपको किसी ना किसी ऐसी जगह फोकस कर सकते हैं जहां सिर्फ आप एडामेंसी बिहेवियर के अलावा कुछ ना करो, तो अपना रिलेशनशिप वैसे स्टेक पे चला जाएगा। तो फैमिली की जो पूरी हिस्ट्री है उसको भी जानने के लिए टेस्ट है जो इसी में इंक्लूड है सोलमेट टेस्ट के अंदर। तो हम फैमिली पैथोलॉजी भी चेक करते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ,
या ऐसा कोई हादसा हुआ है, ट्रॉमिक हो गए, वो आप उस हादसे से बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो आप बार बार उसी चीज के लिए पैनिक होते रहोगे और जो प्रेजेंट है आपका उसको आप थोड़ा सा वेग मोड में ले जाओगे और जो खराब हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फैमिली पैथोलॉजी कितनी जरूरी है। और चलते हैं अगले पॉइंट पे, करंट सिचुएशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। दोनों लोग जो अभी किस सिचुएशन प्रेजेंटली, अब मान लो एक आदमी ने बहुत ही आपको बोला मैं तो बहुत प्यार करता हूं इस दुनिया में, वो कहते हैं ना सूरज चांद तारे सब तोड़ लाता हूं, तो ऐसा कुछ बोलना शुरू किया उसने और आपने मान लिया, लेकिन जैसे ही शादी हुई वो पलट गया, थोड़े टाइम के बाद वो 180 डिग्री पे चला गया। तो अब ये तो आप कहेंगे तो बदल गया है, तो बहुत ही झूठा आदमी। ऐसा नहीं होता, करंट सिचुएशन क्या दोनों पार्टनर की, हो सकता है वो उस टाइम डिप्रेसिव हो सकता है वो उस टाइम स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो, और वो स्ट्रेस में ये डिसीजन ले रहा हो, जैसे वो नॉर्मल हो अपने आप माइंड रिकवरी कर गया, या उसने कहीं अपना इलाज करवा लिया किसी प्रोफेशनल के पास, और जब नॉर्मल आने के बाद उसने सोचा नहीं नहीं ये जो मैंने डिसीजन लेना था तो लेना ही नहीं था, तो इमीडिएटली वो डिटैच हो जाएगा या हो जाएगी, दोनों बातें हो सकती हैं। और जैसे ही वो डिटैच होंगी तो कोई और पार्टनर को ढूंढने लगेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप एक अलग ही दुनिया की तरफ जा रहे हो, जो आपको मालूम है जो हमारे न्यायालय में जाके खत्म होती है, कोर्ट्स में जाके खत्म होती है। तो हमें करंट सिचुएशन भी इस टेस्ट में पता लग जाए। आगे चलते हैं, हाउ द सोलमेट विल हेल्प यू। सोलमेट आपको पहले ही बता रहा है कि ये रिलेशनशिप की जो गाड़ी है इसकी रफ्तार कैसी रहे। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में वो बिहेवियर चेंज हो जाए। बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाएगा तभी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मेरे पिछले पॉइंट को याद करिए। लेकिन कुछ वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होंगी, जिसको सजेस्टिबिलिटी बोलते हैं, और आपकी जो हिडन डिजायर हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो फिक्स हो चुकी है, उनको तो रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको पहले से पता लग सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में जरूर जाना चाहते हैं। मान लो आपने सोच लिया नहीं मेरे को इसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होगा कि मेरे को ये ट्रबल आ सकती है। जैसे हमारी फोर्सेस को पता है बॉर्डर पे ऐसा कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, दे आर गिविंग द ब्लड टू द कंट्री। सो वैसे ही हमें मालूम होगा कि हम इस रिलेशनशिप को तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब इसमें हमें ब्लड देना पड़ेगा, हमें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं प्लीज कहिए, और नहीं है तो आप नया पार्टनर चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है आपके पास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और उस पर जो भी कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो।